Assalamualaikum viewers, this is Isha Vaseem. Welcome back to my channel. So, this is IU Park Part 3. This video will be very interesting because this is so historical. And this video is about IU Park Museum. Let's see what is inside. Guys, museum is a place where you will come to know all about history. And IU Park Museum gives you detailed information about Pakistan history. So this is the best place if you want to know about Pakistan. In the start of this museum, there are also some things just like tank and helicopter. Let's see what is there. It's a great place for visitors to learn about the history and enjoy the natural beauty of IU National Park at the same time. इस जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म की मिलिट्री चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं, जैसे कि ये स्टैचू है जो कि आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यूजियम की इमारत यूँ तामीर की गई है जैसे कोई शाही किला हो। हेलीकॉप्टर इज ऑल्सो डिस्प्लेड हियर। लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट इज। अंदर जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी और जब मैं अंदर गई तो मैंने फर्स्ट टाइम अंदर का सारा हेलीकॉप्टर का सिस्टम देखा था और वाकई में अंदर का सारा सिस्टम बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आउटडोर एरिया इंतहाई शानदार बनाया गया है और इस इमारत को बहुत खूबसूरती से तैयार किया गया है। इसमें खूबसूरत टाइल्स लगाई गई हैं और आप चाहें तो यहाँ पर बैठ के पिक्चर्स भी खेल सकते हैं, इंतज़ार भी कर सकते हैं और बाइक का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टैचू हॉर्स भी रखा गया है जो कि आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब मेरे ख्याल से हमें म्यूजियम के अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि म्यूजियम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बाहर तो हमें बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिली हैं। अब देखते हैं कि अंदर भी ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। सो लेट्स गो इनसाइड। सो लेट्स गो इनसाइड द आर्मी हेरिटेज हाउस। अंदर इंटर होते साथ ही इन्होंने जो सेटअप बनाया हुआ है वो बड़े सगीर के मुसलमानों की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज अ स्टैचू ऑफ एंशिएंट एरा सोल्जर। वाओ, ब्यूटीफुल।
इसी के बिल्कुल सामने एक मशहूर शख्सियत को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत कम उम्र में सिंध को फतह किया था, और यहाँ पर कुछ उनके बैटल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्प्ले किया हुआ है और जंगी साजो सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है। इसी के सामने उन्होंने जो है वो उनके दौर के बर्तन रखे हुए हैं और भी बहुत सी तारीखी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर। रूम टू के अंदर जाए तो वहाँ पर भी कुछ डायनेस्ट्री को रिप्रेजेंट किया गया है, और सबसे पहले डायनेस्ट्री है गजनवी डायनेस्ट्री। यहाँ पर भी गजनवी डायनेस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ चीज़ें रखी गई हैं। नेक्स्ट डायनेस्टी है गोरी डायनेस्टी, और यहाँ पर भी गोरी डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सपा सलार के स्टैचू खड़े किए हुए हैं और जंगी साजो सामान भी रखा हुआ है। साइट पर हिस्ट्री भी लिखी गई है ताकि जो यहाँ पर स्टडी करने आते हैं लोग उन्हें आसानी से पाकिस्तान की हिस्ट्री का पता चल सके। इसी के ऊपर एक छोटा सा एरिया बनाया गया है, चलिए देखते हैं कि ऊपर वाले एरिया में क्या है। जी तो ऊपर पहुँचते साथ ये पता चला कि ऊपर वाले एरिया में जो टाइमलाइन बनाई गई है, और इस टाइमलाइन में 8th century से लेकर पाकिस्तान बनने तक 1947 तक सारी हिस्ट्री को डिटेल में लिखा गया है। जी तो ये थी हमारी टाइमलाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट एरिया की तरफ। सो नेक्स्ट एरिया में भी कुछ चीज़ों को डिस्प्ले किया गया है, जैसे कि यहाँ पर तलवारें रखी हुई हैं जो कि एंशंट इरा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इसी के आगे अगर हम जाएं तो जंग के दौरान जो चीज़ें पहनते हैं सपा सलार उनको रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह से आगे जाएं तो वहाँ पर भी आर्मर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, जैसे कि ये कुछ आर्मर्स डिस्प्ले किए हुए हैं, और अगर इंफॉर्मेशन पढ़ें तो पता चलता है कि ये मेल आर्मर्स हैं। जी तो ये है कुछ ऐसे लिबास जो कि जंग के दौरान पहने जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ जंगी तीर कमान और शीर रखी गई हैं। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स भी हैं जो कि बरसगीर के मुसलमानों की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इससे आगे मिसाइल भी रखे हुए हैं, ये बड़ा मिसाइल है, और इसी के आगे बिल्कुल स्टोन क्राफ्टिंग भी हुई हुई है, और ये स्टोन क्राफ्टिंग रिप्रेजेंट कर रही है कि पहाड़ों पर मोर्चे बनाकर किस तरह के हमले की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के आगे और भी मिसाइल रखे हुए हैं। तो ये है मिसाइल्स, अब इनसे आगे नेक्स्ट रूम में चलते हैं। सो नेक्स्ट रूम में जाते साथ ही हमारे पास कुछ आर्मर्स रखे हुए हैं। और ये पूरा रूम मुगल एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुगल एम्पायर के दौर में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। ये है मुगल हौदा, जो कि यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है, और इसके साथ ही बर्तन भी रखे गए हैं जो कि मुग़ल एम्पायर के दौर में इस्तेमाल किए जाते थे। और ये मुग़ल हौदे वाकई में बहुत कमाल का है। जी तो ये है मुग़ल एम्पायर एंड सुप्रीम, अब चलते हैं मुग़ल एम्पायर एंड सुप्रीम के अंदर के इसकी और इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि मुग़ल एम्पायर में और क्या क्या होता था।
और मुगल एम्पायर। और ये है मुगल एम्पायर के ज़माने की ड्रेसेस के मुगल एम्पायर के लोग कैसे ड्रेसेस पहना करते थे। और पीछे कुछ तलवारें भी डिस्प्ले की गई हैं। और ये भी एक ड्रेस है जो कि मुगल एम्पायर के लोग पहना करते थे। और ये लिबास लोग जंग के लिए इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट रूम में जाएं तो वहाँ पर यूनिफॉर्म्स डिस्प्ले किए गए हैं आर्मी के और बहुत से रैंक्स के, जैसे कि कर्नल की वर्दी हो गई। और यहाँ पे साइड नीचे इंफॉर्मेशंस भी लिखी गई हैं कि ये क्या क्या डिस्प्ले किया गया है। थोड़ा सा आगे जाएं तो और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्प्ले किया गया है, जैसे कि ये अंडरग्राउंड सी वाटर के लिए है। और इससे आगे थोड़ा सा जाए तो ये भी एक बिल्कुल सिपाही का ड्रेस बताया गया है। और ये ममलूक डायनेस्टी है और इसको ममलूक डायनेस्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि उस ज़माने में कौन कौन सी तलवारें, कैसी तलवारें हुआ करती थी। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है और इसकी इंफॉर्मेशन भी दी गई है। यहाँ पर एंशिएंट इरा के वेपन्स को भी डिस्प्ले किया हुआ है ताकि हमें अपनी हिस्ट्री की पहचान हो। और साइड पे साथ ही साथ इंफॉर्मेशंस भी दी गई हैं। दिस म्यूजियम हाउस हैज अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स एंड एग्जिबिट्स दैट प्रोवाइड्स इनसाइट टू द कल्चरल हेरिटेज एंड द हिस्ट्री ऑफ द रीजन। इसी के बिल्कुल सामने पुराने वक्त की ट्रेन को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है और अब हम इस ट्रेन के अंदर से गुजर के जा रहे हैं। This is the train. जी तो अब आता है एक बड़ा सा हॉल जिसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की गई है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस बिकॉज इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री एंड द मिलिट्री सर्विसेज। And this is a tent. और इसके बाद आती है इंफॉर्मेशन। और ये सारे पाकिस्तान आर्मी के जितने भी चीफ रह चुके हैं उन सारों के नाम हैं। और इसकी के साथ साथ इसके पिक्टोरिकल जो है रिप्रेजेंटेशन भी की गई है। पाकिस्तान बनने में कितनी कोशिशें हुई हैं, पाकिस्तान अनथक मेहनत, मुशक्कत और कुर्बानियों के बाद मार्ज़े वजूद में आया है। इससे पहले हम एंशिएंट इरा की हिस्ट्री को देख कर आए हैं और इस सेक्शन में हम 19th सेंचुरी की हिस्ट्री को देख रहे हैं जिसमें इंतहाई खूबसूरती से बरी, बहरी और फिजाई फौज को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी के थोड़ा सा आगे जाएं तो टैंक भी रखा हुआ है जो कि मिलिट्री का टैंक है। यहाँ पर बहुत अच्छे से पाकिस्तानी टैंक को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इसी के आगे जाएं तो हमारे पास सबमरीन्स यानी सी वाटर के अंदर की चीज़ें आ जाती हैं। और उससे थोड़ा सा और आगे जाएं तो हमारे पास आ जाते हैं
पाकिस्तानी एयरफोर्स में यहाँ पर पाकिस्तानी एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने पाकिस्तानी जेट भी डिस्प्ले किया हुआ है। उसके आगे आर्मी एविएशन को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इसका रोल क्या था वॉर के दौरान। इसी के थोड़ा सा आगे जाएं तो हमारी नेशंस की सर्विसेज बताई हुई हैं कि हमारी जो नेशन है उसने उन्होंने पाकिस्तान बनने में कितनी मेहनत की थी, और ये यहाँ पर भी स्टोन क्राफ्टिंग की गई है कि हमारी नेशन ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। और ये स्टोन क्राफ्टिंग को देख के पता चला है कि ये बहुत मेहनत से की गई है। हमारे पास है रोल ऑफ पाकिस्तान इन नेशन बिल्डिंग। उसी के आगे हमारे पास है पीस कीपिंग मिशंस, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे यूएन के साथ मिशंस किए थे पीस कीपिंग के, और ये पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इसी के आगे हमारे पास यहाँ पर दो फेज शेयर किए गए हैं पाकिस्तान के। एक है पाकिस्तान बिफोर टेररिज्म एंड आफ्टर टेररिज्म। पाकिस्तान बिफोर टेररिज्म आप लोग देख सकते हैं कि कितना खुशहाल था, और दहशतगर्दी के बाद इतने ज़्यादा हमारे पाकिस्तान के ऊपर बुरे असरात पड़े हैं। और इसी का मशहूर वाक्य जो है वो ब्लैक डे जिसे कहा जाता है वो है। यहाँ पर पिक्चर से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएं तो और भी मज़ीद इंफॉर्मेशन दी गई हैं, जैसे योम शुहदा और मोटिवेशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। इसी के आगे हमारे पास कुछ अवार्ड शेयर किए गए हैं, जैसे निशान हैदर जो कि बहुत मशहूर एक अवार्ड है। और आगे ये भी बताया गया कि निशान हैदर किन किन को मिला, और आप लोग इन सारे शोधा को जानते ही होंगे कि 6 सितंबर की लड़ाई में इन्होंने कितनी बहादुरी से अपना कारनामा से अंजाम दिया। और इसके बाद अगर हम लोग जाएं तो हमारे पास पाकिस्तान का मैप शेयर किया हुआ है, और कायद अजम की भी पिक्चर्स शेयर की हुई हैं। नेक्स्ट रूम में जाने से पहले उन्होंने कुछ ऑपरेशनल मेडल्स और आर्म फोर्स रैंक स्ट्रक्चर्स भी डिस्प्ले किए हुए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि इस जगह के दो दरवाजे हैं। राइट साइड वाले डोर का अभी हमने सर्वे किया है, अब चलते हैं लेफ्ट साइड पे। अब दूसरे दरवाजे की इंट्रेंस पर ही कायद अजम की बहुत बड़ी पिक्चर लगी हुई है, और इसी के साथ ही हमारे पास कौमी तराना लिखा हुआ है, और साथ ही ऑर्बिल ऑफ पाकिस्तान की कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है। वाओ, इट्स अ ह्यूज हॉल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इनसाइड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नीचे भी और बहुत से इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। जी, तो ये यहाँ पर कुछ पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल लोकेशन ये सारी बयान की गई है, और इसी के साथ साथ हमारे पास जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स भी बताए हुए हैं पाकिस्तान के कि क्या क्या हैंडीक्राफ्ट थे, और साथ ही साथ हमारे पास पाकिस्तान का मैप रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस मैप में पाकिस्तान के तमाम कल्चर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और साथ साथ मशहूर जगह भी बताई हुई कि कौन से शहर में कौन कौन सी मशहूर जगह है। उसके बाद अगर आगे जाएं तो हमारे पास एक पाकिस्तान पर नज़र डाली गई है, और इसके साथ जो है पाकिस्तान के मैप को बहुत खूबसूरती से यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। बेसमेंट में होने की वजह से इस हॉल में काफ़ी आवाज़ें गूंज रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इतनी गहरी बात की गई है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी के साथ हमारे पास दो मशहूर शख्सियात कायदे आज़म यानी क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान एंड ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान यानी इलामा इकबाल की कुछ हिस्ट्री दी हुई है। इसी के साथ पायनियर्स ऑफ पाकिस्तान को भी यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, यानी पाकिस्तान के कौन कौन से तख्लीककार थे उनकी यहाँ पर पिक्चर्स लगाई हुई हैं, और पाकिस्तान मूवमेंट को भी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि तहरीके पाकिस्तान कब कहाँ और कैसे हुई, और तस्वीर की मदद से उसको और अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान की ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि पाकिस्तान की कौन कौन सी मशहूर शख्सियात हैं और उन्होंने क्या क्या खिदमात से अंजाम दी हैं पाकिस्तान के लिए, उसको भी नीचे डिफाइन किया हुआ है। इस म्यूजियम डिस्प्लेस पाकिस्तान मिलिट्री हिस्ट्री आर्टिफैक्ट्स एंड अचीवमेंट्स। द म्यूजियम्स इंफॉर्मेटिव एग्जिबिट्स प्रोवाइड द विजिटर विद अ डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पाकिस्तान मिलिट्री हिस्ट्री। इसके आगे जर्नी ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी बताया हुआ है कि पाकिस्तान का इर्तकाई सफर कैसा था और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके आगे हमारे पास कुछ मशहूर अखबारात भी यहाँ पर पेश किए हुए हैं,
और ये 1947 के सारे अखबार है कि 1947 में कौन कौन से अखबार छपे थे और कौन से अहम वाक़ियात रुनुमा हुए थे। इसी तरह आगे के सारे सालों में आने वाले अखबार भी यहाँ पर पेश हुए हैं, जैसे 1965 के भी आगे यहाँ पर पेश हुए हैं और ये वाकई में बहुत इंफॉर्मेटिव है। म्यूजियम डिस्प्ले आइटम रिलेटेड टू द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, मेकिंग इट अ वैल्यूएबल एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल डेस्टिनेशन। इट ओकेजनली होस्ट कल्चरल इवेंट्स, फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। द म्यूजियम ऑफर इनसाइट्स इनटू द नेशंस डिफेंस फोर्सेस। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ आ जाती है, वो है पाकिस्तान रुपीज़ एवोल्यूशन, यानी पाकिस्तान के रुपए की कैसे इर्तिका हुई, पहले एक आना था फिर दो, उसके बाद अब कैसे आगे जाते जाते हमारे पास कौन कौन से रुपीज़ आए हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो हमारे पास पाकिस्तान के खित्ते आ जाते हैं कि पाकिस्तान के 5 खित्ते हैं, जैसे कि हम सबको मालूम है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अब गिलगित बल्तिस्तान। और हर एक खित्ते को बहुत यहाँ पर डिटेल से बयान किया हुआ है कि किस खित्ते के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है, कौन कौन सी जगह है। और यहाँ पर 5 खित्तों के साथ साथ कश्मीर को भी डिफाइन किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि कश्मीर की भी हमें इंफॉर्मेशन पता हो कि कश्मीर में कितनी खूबसूरत जगह हैं। इसी के बिल्कुल सामने इन्होंने पाकिस्तान के कल्चर को डिफाइन करने के लिए पाकिस्तान के कल्चर के ड्रेसेस को डिस्प्ले किया हुआ है कि सिंधी के कौन से ड्रेस होता है, पंजाबी के कौन से होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के कौन से होते हैं। जैसे कि ये जो ड्रेस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान को, इससे आगे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कश्मीर को कि कश्मीर में कैसे ड्रेस पहने जाते हैं, उसके बाद सिंधी और उसके बाद पंजाबी और खैबर पख्तूनख्वा। ये सारे जो हैं ये ड्रेसेस हमारे पास बता रहे हैं कि कौन कौन से सूबे में, कौन कौन से खित्ते में, कौन कौन से ड्रेसेस का कल्चर है, कौन से ड्रेसेस पहने जाते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी नोट की भी एवोल्यूशन आ जाती है, पहले कौन सा पाकिस्तानी नोट था और अब कौन सा है। इसके बाद पाकिस्तान थ्रू द लेंस ऑफ न्यूज़पेपर, यानी हम पाकिस्तान को न्यूज़पेपर की थोड़ी सी नज़र से देखेंगे। थोड़े से तो पहले मैंने भी दिखा दी है, अब थोड़े से आ जाते हैं 1965 के बाद वाले, जैसे कि 1971 के हैं ये। और 1971 में बहुत से ऐसे इवेंट्स पेश आए थे जो कि हमेशा याद रहेंगे, जैसे कि कारगिल वॉर हुई थी 1971 में। और इन न्यूज़पेपर्स के ज़रिए और जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इनके ज़रिए आसानी से सारी हिस्ट्री का पता चल रहा है कि कौन से ईयर में, कौन से सन में, कौन सा कारनामा पेश आया था। जैसे कि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पर भी ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान को इलस्ट्रेट किया हुआ है। गाइज बिलीव मी, इट्स वेरी बेनिफिशियल प्लेस टू लर्न अबाउट हिस्ट्री, यू मस्ट कम हियर बिकॉज यू गोना लर्न अलॉट। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानें पाकिस्तान में पाई जाती हैं, जैसे कि उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो, सराइकी, सिंधी, हिंदको वगैरह। ये सारी ज़ुबानें जो हैं ये पाकिस्तान में बोली जाती है और यहाँ पर भी उन्हीं ज़ुबानों की डिटेल बताई हुई है। इससे आगे हमारे पास ये पिक्चर्स के ज़रिए और भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन है और ये हैं पोस्टल स्टैम्प्स। इसको देखने से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उसके आगे अगर हम लोग जाएँ तो हमारे पास पाकिस्तान की अचीवमेंट्स बताई गई हैं कि पाकिस्तान ने कौन कौन सी कामयाबियाँ हासिल की हैं।
तो अब हम दूसरे दरवाजे से भी घूम आए हैं और अब भाई रात हो चुकी है। अब चलते हैं बाहर की तरफ। वैसे तो मैंने आप लोगों को जंगल वर्ल्ड पार्ट वन में दिखा ही दिया है, लेकिन अब देखते हैं जंगल वर्ल्ड का नाइट व्यू। अभी बारिश हो रही है और व्यू बहुत आउट क्लास है। वाओ, वंडरफुल। सो दिस इज़ अ नाइट व्यू ऑफ जंगल वर्ल्ड। रात के टाइम लाइटनिंग ऑन हो चुकी हैं, लेकिन बारिश के साथ साथ इसके व्यू में और भी चार चांद लग गए हैं। और इस शहर के मुँह से हम लोग पार्ट वन में गुजर के आ चुके हैं। Now let's go outside। वैसे तो अभी भी हम लोग अय्यूब पार्क पूरे नहीं घूमे हैं, लेकिन क्योंकि रात हो चुकी है तो अब हमें घर जाना होगा। और ये है नाइट व्यू ऑफ मिरेकल एंड ग्लो गार्डन। यहाँ से भी हम लोग पार्ट वन में घूम के आ चुके हैं जी। तो ये है मेन अय्यूब पार्क की एंट्रेंस। Finally, we have reached outside and we have also sat in the car. It's out class weather and I really enjoyed it. हम सुबह आए थे और अब रात हो चुकी है और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। I hope that you like this vlog. नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।